Hello students, good morning everyone. Today I am going to discuss third chapter, that is how many squares. Measure the side of the red square on the dotted sheet. Draw here as many rectangles as possible using 12 such squares. How many rectangles could you make? Each rectangle is made out of 12 equal squares, so all have the same area. But the length of the boundary will be different. Length of the boundary is called perimeter. So here is one. So which of these rectangles has the longest perimeter? Which of the rectangles has the smallest perimeter? How many squares? तो आपको कितना square count करके लिखना है. तो पहले हमको square क्या होता है मालूम होना चाहिए और रेक्टेंगल क्या होता है मालूम होना चाहिए. तो स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर इज ए क्लोज फिगर. स्क्वायर जो होता है उसका फोर साइड होता है और ये क्लोज फिगर होता है. और वो स्क्वायर का जो फोर साइड का लेंथ सब साइड जो होता है इक्वल होता है. द लेंथ ऑफ फोर साइड्स इन स्क्वायर आर इक्वल. स्क्वायर का जो चारों साइड होता है वो सभी का लेंथ इक्वल होता है. ओके, देन रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल इज ए क्लोज फिगर और उनका भी फोर साइड होता है. लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड से आर, द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड से आर इक्वल. तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है? तो स्क्वायर में फोर साइड ही, फोर साइड and it is a closed figure. In rectangle, rectangle में four side and also it is a closed figure. लेकिन square में जो चारों side होता है वो सभी का length equal होता है. But in rectangle, the opposite side's length है, the opposite side's length है equal to each other. Only the difference between स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल. तो अभी मालूम हो गया स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है. स्क्वायर ये क्लोज फिगर जिसका फोर साइड होता है और सभी साइड का लेंथ इक्वल होता है. ओके, तो यहाँ पे दिया गया ऐसा बॉक्स, बॉक्स में बहुत सारे डॉटेड लाइन किया गया. तो एक देखो यहाँ पे एक रेड स्क्वायर दिया गया. देखिए ये रेड स्क्वायर में देखो चारों साइड देखिए, वन टू थ्री फोर साइड, तो सभी साइड का लेंथ देखिए इक्वल है. तो इसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर, क्योंकि ये क्लोज फिगर है और फोर साइड का लेंथ इक्वल है. सो मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड सीट. मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड सीट. ये डॉटेड सीट आप दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड सीट में तो मेजर कीजिए साइड ऑफ द रेड स्क्वायर. तो रेड स्क्वायर साइड को मेजर कीजिए. आप स्केल लेकर ऐसे मेजर कर सकते कितना सेंटीमीटर होता है, जो साइड कितना सेंटीमीटर होता है, तो चारों साइड का मेजर माप सकते स्केल यूज करके, कितना साइड होता है, ये साइड कितना, ये साइड कितना, चारों साइड. ड्रॉ हियर एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर. तो आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. तो कैसे ड्रॉ करना है, तो ऐसे ही पहले 12 स्क्वायर को लेकर आपको रेक्टेंगल बनाना है. तो पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, जो रेक्टेंगल में 12 स्क्वायर होना चाहिए. तो 12 स्क्वायर को लेकर आप एक पहले एक रेक्टेंगल बनाइए. ओके, सो ड्रॉ हियर एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर. तो आप 12 स्क्वायर को लेकर रेक्टेंगल बनाइए, चाहे जितना होता है उतना रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए. हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक. जो डॉटेड शीट में आप कितना रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकेंगे. हियर इज वन. तो यहाँ पे दिया गया, देखो कैसे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट काउंट कीजिए कितना स्क्वायर है. तो देखिए 12 स्क्वायर है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्क्वायर है. तो 12 स्क्वायर को लेकर यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया. देखिए रेक्टेंगल कैसे होता है, द फोर साइड देखिए क्लोज फिगर, फोर साइड है,
तो अपोजिट साइड का लेंथ यहाँ पे इक्वल है, सो दिस इज ए रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है 12 स्क्वायर को लेकर बना हुआ है। ऐसे ही ये डॉटेड शीट में आप 12 स्क्वायर को लेकर ऐसे रेक्टेंगल बनाए और कितना रेक्टेंगल होता है अब काउंट कीजिए। ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 स्क्वायर, तो सभी जो रेक्टेंगल 12 स्क्वायर को लेकर बनना चाहिए। सो ऑल हैव द सेम एरिया, तो सभी का एरिया इक्वल होगा, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल डिफरेंट। लेकिन सभी का एरिया इक्वल होगा लेकिन जो बाउंड्री होता है अलग अलग होगा। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, जो बाउंड्री को लेंथ को क्या बोला जाता है, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर मीन्स जो चारों साइड को काउंट कीजिए, तो यहाँ पे कितना चारों साइड को काउंट कीजिए लें तो उसको आर पूछिए, जिसको पेरीमीटर बोला जाता है। स्क्वायर में भी रेक्टेंगल चारों साइड का लेंथ को आर करने से जितना मिलता है, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ फोर साइड्स, तो चारों साइड को आर करने से लेंथ को जितना होता है उसको पेरीमीटर बोला जाता है। लेकिन सभी का एरिया जो है इक्वल होगा, तो एरिया पूछेंगे एरिया क्या है, तो आप काउंट कीजिए कितना स्क्वायर है उसमें, तो सभी में तो जितना आप रेक्टेंगल फिगर बनाएंगे, लेकिन सभी में तो 12 स्क्वायर को लेकर बनाएंगे ना, तो सभी का तो एरिया कितना होता है, सभी में 12 होता है, ऐसा ना। हाँ, सो व्हिच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, व्हिच ऑफ द रेक्टेंगल हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। तो आप जितना ये डॉटेड शीट को लेकर 12 स्क्वायर को लेकर जितने सारे रेक्टेंगल बनाया, तो उसमें से कौन सा रेक्टेंगल का लॉन्गेस्ट पेरीमीटर और कौन सा रेक्टेंगल का स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। तो सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल का, कौन सा रेक्टेंगल का पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है और कौन सा रेक्टेंगल का पेरीमीटर सबसे कम है। मेजर स्टार्स, तो यहाँ पे देखिए कहीं सारे स्टाम्प दिया गया है, ये 500 रुपीज स्टाम्प्स, 200 रुपीज स्टाम्प्स, बाद में 25 रुपीज स्टाम्प्स, 200 रुपीज स्टाम्प्स, बाद में ये थोड़ा कितना सही से 50 या 60 रुपीज स्टाम्प्स, देन 75 रुपीज स्टाम्प्स। तो यहाँ पे कितने सारे स्टाम्प दिया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो 6 स्टाम्प दिया गया। तो कहीं स्टाम्प स्क्वायर जैसा और कुछ स्टाम्प रेक्टेंगल फिगर जैसा, तो आपको मालूम है किसी तरह पेरीमीटर निकालेंगे, हर स्क्वायर हर पेरीमीटर कैसे निकालना होगा, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, और एरिया कैसे निकालना होगा। ओके, तो एरिया निकालने से हमको क्या करना पड़ेगा, वही स्टाम्प का कितना स्क्वायर है काउंट करना पड़ेगा। लेकिन जब पेरीमीटर का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो फोर साइड का जो लेंथ होता है उसको ऐड करना पड़ेगा। आया समझ में? ओके, सो लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टाम्प्स, यहाँ पे जो इतने सारे स्टाम्प दिया उनको देखिए, नज़र कीजिए, ये हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डॉ स्टाम्प ए कवर। तो पहले जो ए स्टाम्प जाइए, तो देखिए हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड, तो कितना सेंटीमीटर का, कितना स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डॉ, तो इसमें कितना स्क्वायर है जिसका साइड का लें 1 सेंटीमीटर है, आप काउंट करके बता सकते हैं। एंड स्टाम्प स्टाम्प बी में भी देखिए, बी कहाँ पे, यहाँ पे बी में, तो बी में देखिए कितना स्क्वायर जिसका साइड 1 सेंटीमीटर है, तो आप काउंट करके भी बता सकते हैं। हुई स्टाम्प हैज बिगेस्ट एरिया, तो यहाँ पे 6 स्टाम्प दिया गया, तो सबसे बिगेस्ट एरिया कौन सा स्टाम्प का सबसे बड़ा एरिया बढ़ा है, तो एरिया कैसे निकलते आपको मालूम है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर। तो एरिया कैसे काउंट कर, देखिए जो स्टाम्प में
स्क्वायर ज़्यादा है तो वो सबसे बड़ा स्थान, वो सबसे बड़ा, देखिए काउंट कीजिए, जो एरिया में आपको सबसे ज़्यादा स्क्वायर मिलेगा उसका एरिया ज़्यादा है। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ वन साइड सेंटीमीटर डॉ द स्टाम्प कवर, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड वन सेंटीमीटर डॉ दी स्टाम्प कवर। तो यहाँ पे जितने सारे जो स्टाम्प दिया गया तो सभी स्टाम्प में कितना वन सेंटीमीटर का स्क्वायर कवर किया है, कौन सा स्टाम्प कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर वन सेंटीमीटर कवर किया है वो आप लिखिए। हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टाम्प, सो हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट, यहाँ पे जो बिगेस्ट स्टाम्प का एरिया कितना है वो लिखिए, स्क्वायर ऑन सेंटीमीटर उसको लिखिए। व्हिच टू स्टाम्प्स हैव द सेम एरिया, तो यहाँ पे कौन सा दो स्टाम्प का एरिया इक्वल है, अब देखिए कौन सा ए का बी का इनमें से कौन सा स्टाम्प का आप लिखिए। हाउ मच इज द एरिया ईच स्टाम्प्स इन स्क्वायर सेंटीमीटर, हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्टाम्प, तो यहाँ पे जितने सारे स्टाम्प है सभी स्टाम्प का एरिया कितना है। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टाम्प इज डैश सेंटीमीटर डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा स्टाम्प है उसका एरिया कितना है आप काउंट करके लिख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टाम्प इज डैश सेंटीमीटर, तो सबसे जो बड़ा स्टाम्प है उसका एरिया कितना है और सबसे जो छोटा स्टाम्प है उसका एरिया कितना है, तो एक से तो बड़े से छोटे स्टाम्प का एरिया को माइनस कीजिए, इतना होता है यहाँ पे लिखिए। कॉलेक्ट सम ओल्ड स्टाम्प प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, कॉलेक्ट सम ओल्ड स्टाम्प, कुछ पुराना स्टाम्प आप कलेक्ट कीजिए, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड, वो सभी स्टाम्प को आप एक स्क्वायर ग्रिड में रखिए एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर, और वो सभी स्टाम्प का एरिया और पेरीमीटर निकालिए। गेस व्हिच हैज द बिगर एरिया वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक, व्हिच हैज द स्मॉलर एरिया टू 5 rupee नोट्स टुगेदर एंड 100 rupee नोट, लुक आर 10 rupee नोट, इज इट्स एरिया मोर देन 100 square centimeter, इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप व्हाई, इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप व्हाई, गेस व्हिच हैज द बिगर एरिया, आप गेस कीजिए व्हिच हैज द बिगर एरिया, किसका एरिया बड़ा है, वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक, वन ऑफ योर फुटप्रिंट तुम्हारा फुटप्रिंट का फुट का जो प्रिंट है वो और द पेज ऑफ दिस बुक, यहाँ पे जो बुक का पेज दिया गया वो क्या कौन सा एरिया बड़ा है, व्हिच हैज द स्मॉलर एरिया, तो किसका एरिया छोटा है, टू 5 rupees नोट्स टुगेदर, दो 5 rupees का नोट्स टुगेदर को मिलकर रखने से और ए 100 rupees नोट और ए 100 rupees नोट, तो किसका व्हिच आर द स्मॉलेस्ट एरिया किसका है, तो यहाँ पे आप देखिए कैसे यहाँ पे 5 rupees दोनों को मिलकर रखा है फिगर में, यहाँ पे 100 rupees का नोट है, तो देखिए किसका स्मॉलेस्ट एरिया है तो वो आप लिखिए। लुक एट ए 10 rupee नोट, इज इट्स एरिया मोर देन ए 100 square centimeter, लुक एट ए 10 rupee नोट, एक 10 rupees का नोट को रखिए तो रखिए रख कर देखिए, इज इट्स एरिया मोर देन 100 square centimeter, क्या उसका एरिया जो 100 square centimeter से ज़्यादा है क्या, इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप एंड व्हाई, इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप, तो यहाँ पे दो
फिगर दिया गया, जो येलो कलर का एक फिगर है और ब्लू कलर का एक फिगर है। तो यहाँ पे पूछता है जो ब्लू कलर का जो शेप है, शेप का जो एरिया है वो येलो कलर का शेप से एरिया से क्या बड़ा है क्या? तो व्हाई, तो फिर क्यों? इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप? व्हाई? तो यहाँ पे जो येलो शेप का पेरीमीटर क्या वो ब्लू शेप का पेरीमीटर से ज़्यादा है? व्हाई? तो फिर कैसे? हाउ बिग इज माई हैंड? ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड? व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड? स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड? डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। हाउ बिग इज माई हैंड? मेरा हाथ कितना बड़ा है? ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर शीट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया जो नेक्स्ट पेज आप दिखाई दे रहा है, ये एक स्क्वायर शीट है। तो देखिए जो स्क्वायर शीट में, तो आपको हाथ का जो हाथ पैसे रखे उसको ट्रेस कीजिए, तो उसका चारों साइड में ऐसे पेंसिल में आप ट्रेस कीजिए, लिखिए तुम्हारे हाथ का साइज कितना बड़ा, उसका ट्रेस कीजिए, है ना। उसके ऐसे ही जहाँ साइज है वहीं से पेंसिल में मार्क कीजिए आपका हैंड को। हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज बिगर? तो आप कैसे बता सकते हैं जे कौन सा हाथ बड़ा है? योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड, तुम्हारा हाथ या तुम्हारा फ्रेंड का हाथ। व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड? तो पहले आपका दोनों, पहले आपका जो हैंड का एरिया कितना है काउंट कीजिए, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड? तो बाद में तुम्हारा फ्रेंड का हैंड का एरिया कितना है लिखिए इन स्क्वायर सेंटीमीटर। बाद में फिर मालूम होगा कौन सा हैंड का एरिया बड़ा है और कौन सा हैंड का एरिया छोटा है। माई फुटप्रिंट इज लॉन्गर बट माई फुटप्रिंट इज वाइडर, सो हुज फुटप्रिंट इज बिगर? माई फुटप्रिंट, हुज फुटप्रिंट इज लार्जर, योर्स और योर फ्रेंड? हाउ विल यू डिसाइड, डिस्कस, इज द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट द सेम? माई फुटप्रिंट इज लॉन्गर, मेरा जो फुट का प्रिंट है वो बहुत लंबा है। बट माई फुटप्रिंट इज वाइडर, लेकिन मेरा जो फुटप्रिंट है वाइड है, ज़्यादा वाइड है। सो हुज फुट इज बिगर? तो किसका फुट है बड़ा है? माई फुटप्रिंट, हुज, हुज फुटप्रिंट इज लार्जर, किसका फुटप्रिंट बड़ा है? योर्स और योर फ्रेंड्स, तुम्हारा या तुम्हारा दोस्त का? हाउ विल यू डिसाइड, आप कैसे डिसाइड लेंगे? तो डिस्कस, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। इज द एरिया बोथ योर फुटप्रिंट इज द सेम, क्या तुम दोनों का फुटप्रिंट का एरिया सेम है क्या? माई स्किन हैज मैनी फोल्स, सो आई हैव ए बिग एरियल, दिस वे द एयर ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल। व्हाट इज द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट? व्हाट इज द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट? बेबी राइनो गेस व्हिच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स? डिस्कस, हियर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल्स इन एक्चुअल साइजेस, गेस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट्स। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया, जैसे कुछ एनिमल है, यहाँ पे बाढ़ है और कुछ एनिमल है, और कुछ एनिमल का भी फुटप्रिंट दिया गया। चल हम देखते हैं। माई स्किन हैज मैनी फोल्ड्स, तो यहाँ देखो बेबी राइनो, तो यहाँ पे देखिए उसका जो बॉडी है
उसका जो स्किन है वहाँ पे बहुत सारे फोल्ड दिखाई को मिलते हैं। आप देखिए कैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। सो आई हैव ए बिग एरिया, तो इसलिए मेरा जो एरिया है बॉडी का एरिया, स्किन का एरिया बहुत बड़ा है। दिस वाई द एयर ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल, दिस वे द एयर ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल, तो इसीलिए जो एयर होता है तो मेरा हाफ साइड में क्या बॉडी को कूल रखता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, तो यहाँ पे एलिफेंट है तो उसका फुटप्रिंट देखिए यहाँ पे दिया गया। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, मेरा जो फुटप्रिंट है तो उसका एरिया कितना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, यहाँ पे आंट है, यहाँ पे एक बाड़ है, तो वो भी पूछते मेरा जो फुटप्रिंट का एरिया कितना है। तो आप लिखिए आंट का कितना है और यहाँ पे बाड़ का कितना है, यहाँ पे एलिफेंट का कितना है। गेस व्हिच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स डिस्कस, तो आप डिस्कस कीजिए यहाँ पे जो एलिफेंट है, आंट है, फिर यहाँ पे जो बाड़ है, तो कौन सा किसका किसका जो फुटप्रिंट का एरिया इक्वल है वो बारे में आप डिस्कस कीजिए। हियर आर सम फुटप्रिंट ऑफ एनिमल्स इन एक्चुअल साइजेस, गेस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट, यहाँ पे भी कुछ एनिमल है जो बाड़ है उसका फुटप्रिंट दिया गया, तो आप उसका वो एक्चुअल साइज का फुटप्रिंट दिया गया तो आप गेस कीजिए तो सभी एनिमल का बाड़ का फुटप्रिंट का एरिया कितना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया डॉग का दिया गया, यहाँ पे हेन का दिया गया, तो आप फुटप्रिंट का एरिया निकालिए। मेक बिग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फर्स्ट, मेक बिग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर शीट है, तो स्क्वायर शीट में आपको क्या करना होगा, मेक बिग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स, तो इसके अंदर मेक बिग स्क्वायर, पहले बड़ा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल लाइक टू फाइंड द एरिया फैक्टर, तो यहाँ पे स्क्वायर सब है तो आप क्या करेंगे, तो आप स्क्वायर बनाइए नहीं तो रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए बाद में, तो फिर काउंट कीजिए वो सभी जो फिगर में का एरिया कितना है। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी, मेरे पास कितना स्क्वायर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, द ट्राइंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 square centimeter, सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, हाँ सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द सेल्स बिलो। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल दिया गया, यहाँ पे देखा फिगर देखिए, तो ये फिगर में क्या करता है, ट्राइंगल शो करता है, तो आपको लिखना है उसका एरिया कितना है। इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, तो इज द शेप, ये जो शेप है हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, क्या ये जो बड़ा रेक्टेंगल से आधा है क्या। द ट्राइंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ 2 square centimeter, द ट्राइंगल इज हाफ द रेक्टेंगल, तो ट्राइंगल जो होता है वो रेक्टेंगल का हाफ है, एरिया उज 2 square centimeter और 2 square centimeter, सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, जो ट्राइंगल है वो रेक्टेंगल का आधा है, वो जो रेक्टेंगल है उसका एरिया है 2 centimeter, तो फिर यहाँ पे जो, तो फिर उसका एरिया कितना है आप लिखिए, और एक बार तो समझ में आया कि नहीं। द ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 square meter, तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसका एरिया 2 square centimeter और जो ट्राइंगल है वो रेक्टेंगल का आधा है, तो फिर आप निकालिए व्हाट इज द एरिया डैश स्क्वायर, तो ट्राइंगल का कितना एरिया वो निकालिए। राइट द एरिया
इन द स्क्वायर सेंटर ऑफ द शेप्स बिलो। तो यहाँ पे बहुत सारे शेप दिया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 शेप है। तो आपको क्या करना, सभी शेप का एरिया निकालने। तो आपको मालूम है किस तरह हम एरिया निकालते हैं अगर कैसे निकालते, काउंट करके एरिया निकालते अगर कोई भी, कैसे आपको पहले बताया हूँ मैं, अगर जो स्क्वायर का आधा होता है, जो टू हाफ स्क्वायर को एक वन काउंट करना। अगर कोई भी जो स्क्वायर देखेंगे हाफ से ज़्यादा है उसको एक काउंट करना, और हाफ से कोई भी स्क्वायर आधा से कम है उसको जीरो काउंट करना। याद रहा, द ये कॉम्प्लीट स्क्वायर यू हैव टू काउंट, ये कॉम्प्लीट स्क्वायर को वन काउंट करना, बाद में टू हाफ स्क्वायर को वन काउंट करना बाद में। तो कैसे, तो हाफ स्क्वायर को ज़्यादा है तो उसको वन काउंट करना, तो हाफ स्क्वायर से कम है उसको जीरो काउंट करना। तो इसी तरह आप हर शेप में कितना एरिया होता है काउंट करके लिखना।